एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऑडिट के टाइम पे हमें मिला था क्या? मतलब अभी करंट ईयर में ऑडिट के टाइम पे पीछे लास्ट ईयर हमने देखा था सेम प्रैक्टिस, वी आर अज्यूमिंग दैट विल सी इन द करंट ईयर एज वेल। 31 मार्च को पार्टी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मतलब बायर ने पेमेंट नहीं किया है, बट 31 मार्च को ही बायर ने चेक इश्यू कर दिया और आउटस्टैंडिंग खत्म कर दी। अब 31 मार्च को जब मैं ऑडिट का देखूंगा आउटस्टैंडिंग होगा, बायर ने सप्लायर को चेक दे दिया और सप्लायर जमा कराता नहीं है, तो रख के रखता है 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने बाद सर कौन मानेगा? सर व्हाट आर यू टॉकिंग? नॉट ये, हम नहीं सुधरेंगे, मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट चेंज योर एटीट्यूड, टेल योर क्लाइंट दिस इज रॉन्ग, टेल योर क्लाइंट दिस इज रॉन्ग, एग्जैक्टली द डिपार्टमेंट नोज मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, प्लीज डोंट टेल देम सर लैंग्वेज में, टेल देम दिस इज रॉन्ग, इफ यू गिव ए 1-day or 2-day चेक इज नॉट इन कैश इज द डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट इफ द चेक इज नॉट इन कैश फॉर 90 days, हु विल एग्री टू दैट? एग्जैक्टली राइट, आई द बायर, द सप्लायर इज ऑल्सो एस माइक्रो एंड ही विल कीप द मनी विद हिम एज एन चेक एंड शो टू एवरीबॉडी, आई गॉट ए चेक, राइट सर, लैंग्वेज के अंदर वी डोंट लुक आउट द एक्सक्यूजेस, दिस इज बैड, बताना कि चेक दे दे वो जमा नहीं कराएगा, उसे सेम इसी प्रैक्टिस में सर ऑडिट सब लास्ट ऑफ द डेज गॉन आर द डेज, मैं सौ चूहे खा के हज को चला गया हूँ और आपने 99 खाए थे, एक और खा लेना सर, चलो लास्ट क्वेश्चन, वक्त बदल गया गुरु जी, दूसरा टॉपिक भी लेना है, ठीक सर, चेंज डोंट टुगेदर and let us not do this thing for the client's sake, he doesn't tell anything to us sir, act mein credit word bhi use kiya gaya hai, credited amount is credited within the stability time, credit word hai, na ki check leke reconciliation mein dal ke ab usko pending kar lenge, that is not allowed, payment jo bill karni hai, payment ha, I have not to tell you ways and means, let him decide, advice humne bahut kuch kar liya, ab hum nahi karenge, we have done hard work to pass CA, no one sitting here can say that he has not done hard work, so kyon karte ye kaam, gone are the days, ab tell your clients sudhar jao, nahi to Modi ji sudhar denge, thank you guruji, thank you।